अभी तक के क्लासेस में हम लोगों ने बोर्स के थ्योरी को देखा, उसका एप्लीकेशन हाइड्रोजन एटम पे देखा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जाना। इस क्लास में हम लोग लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी को करेंगे कि क्या क्या क्यों इस मॉडल को, इस एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें सबसे पहला जो है ये था लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। कि उन्होंने हाइड्रोजन उस समय का जो इंस्ट्रूमेंट था उसको यूज करते हुए जो भी लाइन हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिली उसको तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन द लाइन फाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो भी लाइन हमें मिली उसको तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन जब बाद में हाई रिजॉल्विंग पावर्स का इंस्ट्रूमेंट्स आया तो देखा गया कि केवल यही लाइन नहीं है, लाइन जो सिंगल लाइन उस समय दिख रहा था उसके अंदर भी बहुत सारे फाइन स्ट्रक्चर थे जिसके बारे में बोर्स कुछ भी बताने में समर्थ नहीं रहे। बट फेल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। जैसे अगर बाल्मर सीरीज को ही ले लिया जाए तो बाल्मर सीरीज में बहुत सारे लाइन होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा और भी बहुत सारे लाइन होते हैं, लेकिन बाद में जब हाई रिजॉल्विंग पावर का इंस्ट्रूमेंट आया तो देखा गया कि जो ये सिंगल लाइन है वो सिंगल लाइन नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे फाइन लाइन है। इस फाइन लाइन के बारे में बोर्स कुछ भी नहीं बता पाए। सेकेंड जो ड्रॉबैक रहा कि ये जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही अप्लाई किया जा सका। हमारे पीरियडिक टेबल में केवल हाइड्रोजन तो नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसके पास, तो यानी केवल और केवल ये हाइड्रोजन को तो डिस्क्राइब कर पाए, लेकिन और दूसरे जो लार्जर नंबर ऑफ एटम्स, लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले एटम थे उसके स्पेक्ट्रम को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। ओनली explain the spectrum of single electron species like hydrogen, helium ion, helium plus, lithium 2+ and beryllium 3+, but fail to explain the spectrum of atom having larger number of electrons. In
इनकी ये जो थे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स और या कहें आयंस के बारे में बहुत उसके स्पेक्ट्रम को तो ये अच्छे से बता पाए, डिस्क्राइब कर पाए, लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की बात आई, ऐसे एटम्स की बात आई जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, उसके स्पेक्ट्रम के बारे में ये कुछ नहीं बता पाए और इनकी थ्योरी जो है कहीं से भी उस और दूसरे एटम के लिए वर्क नहीं किया। जो नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन के बारे के थ्योरी को इन्होंने यूज किया था और कहा था कि ऑर्बिटल केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जो है केवल और केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहां की उनका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई होगा और दूसरे किसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन क्यों ऐसा होगा इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए थे। तो थर्ड जो है there was no satisfactory explanation for use of quantization of quantization of angular momentum. That is mvr is equal to nh by 2 pi. वो नहीं बता पाए कि क्यों इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh by 2 pi के बराबर होगा। आगे और हम थ्योरीज देखेंगे जिसमें इसको प्रूफ किया गया कि ऐसा होता है, लेकिन वो इसको नहीं बता पाए। नेक्स्ट वो ड्रॉबैक था जो उनका मेन पोस्टुलेट पहला जो था कि बोर्स एज्यूम दैट assume that electron revolve around nucleus in a fixed orbit with fixed angular momentum, with fixed angular momentum. आज हम लोग जानते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता, which is against Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग ने कहा था कि कभी भी कोई मूविंग जो अगर पार्टिकल्स है वो उसका एक साथ हम पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक साथ एक टाइम पे नहीं बता सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो था बोर्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक फिक्स ऑर्बिट में यानी प्लेस को भी फिक्स कर रहे हैं और एक फिक्स मोमेंटम के साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जिसको आगे चल के हाइजेनबर्ग ने कहा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जो वेव नेचर शो कर रहे हैं वैसे पार्टिकल्स का हम एक साथ वेलोसिटी उसका वेलोसिटी या मोमेंटम और जो जहाँ पे उसको पाए जाने जो उसका प्लेस है वो एक साथ नहीं बता सकते। जैसे जो इन्होंने कहा कि वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है
जो कि हेसलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो बाद में आया इसको कहता है कि ये एकदम सरासर गलत है, तो यहाँ पर भी इनका मॉडल जो है फेल कर गया। इसके आगे जो है इन्होंने नो एक्सप्लेनेशन फॉर जीमेन इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट कैसे कोई स्पेक्ट्रम शो करता है ये नहीं बता पाए, नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन फॉर जीमेन इफेक्ट। जीमेन इफेक्ट क्या है कि अगर कोई ऐसा ऐसे सब्सटेंस को जो कि लाइन स्पेक्ट्रम देता है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, वो उसमें बहुत सारे फाइन लाइंस मिलते हैं, एक एक लाइन है जो वो बहुत सारे फाइन लाइंस में स्प्लिट कर जाता है। इसके बारे में कुछ भी बोर्स ने नहीं बताया। वैसे ही उन्होंने स्टार इफेक्ट के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया। स्टार इफेक्ट क्या है कि जो भी सब्सटेंस जो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम देता है, उसको अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो जो लाइन्स है जो हमको स्पेक्ट्रम में मिलता है वो बहुत सारे फाइन लाइन्स में स्प्लिट कर जाता है, जिसके बारे में भी बोर्स ने कुछ भी नहीं बताया। आज लिमिटेशन के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।